आज की इस वीडियो के अंदर हम एक अनबॉक्सिंग एंड साथ में एक डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं एसर नाइट्रो गेमिंग मॉनिटर का एंड क्या ये सच में आता है 1 मिलीसेकंड के रिस्पांस टाइम के साथ में, बिकॉज इसके अंदर हमको यहाँ पे एक आईपीएस पैनल देखने को मिल जाता है एंड जैसा कि हम सबको पता है आईपीएस पैनल के अंदर 4 मिलीसेकंड का ही रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिलता है। तो इन सब के बारे में जानने के लिए देखना वीडियो का एंड तक, एंड मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। अगर मैं बात करूँ उस गेमिंग मॉनिटर के मॉडल नेम का तो ये है VG240YP एंड ये जो मॉनिटर है ये आता है एक फुल HD डिस्प्ले के साथ में, यानी कि ये 920x1080p के रेजोल्यूशन को रिकमेंड करता है एंड इसकी जो वारंटी है यहाँ पे वो हमें 3 ईयर्स की मिल जाती है, तो काफी ज्यादा एश्योरेंस मिलती है ब्रांड की तरफ से भी। एंड इस मॉनिटर का जो मेन टाइम टू फेलियर है वो यहाँ पे 30,000 आवर्स है। बेसिकली जो MTTF जैसी चीजें है ये हमें एक्सपेंसिव चीजों में देखने को मिलती है, तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है यहाँ पे बताया हुआ है कि हमारा मॉनिटर कितना ज्यादा हमें लॉन्गविटी प्रोवाइड करवाएगा। ये मॉनिटर आता है 2 HDMI पोर्ट के साथ में एक डिस्प्ले पोर्ट एंड साथ में हमारे इस गेमिंग मॉनिटर के बॉक्स के अंदर हमको एक HDMI केबल मिल जाती है फ्री में, जो काफी ज्यादा हाई क्वालिटी की है। एंड इस मॉनिटर के अंदर हमको यहाँ पर 250 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपको यहाँ पे ब्राइटनेस कम है आईपीएस पैनल होते हुए भी। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसके OSD के बारे में, तो इसके OSD मेन्यू के अंदर हमको यहाँ पर ब्लू लाइट जैसी चीजें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हम ब्लू लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं अपने मॉनिटर की एंड यहाँ पर जो हमारा गेमिंग सेक्शन है अलग से उसके अंदर हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है हमारे एम पॉइंट जैसी चीज है। यहाँ पर हम अपने 3 डिफॉल्ट क्रॉसहेयर मतलब यूज कर पाएंगे एंड ये मॉनिटर एक फ्रीसिंग मॉनिटर है। बेसिकली फ्रीसिंग क्या होता है मैं आपको बताऊं तो ये आपका फ्रीसिंग है जो AMD के ग्राफिक कार्ड के साथ में ही वर्क करेगा। अगर आपके पास एक AMD का ग्राफिक कार्ड है जो मतलब कि आपको इतने FPS प्रोवाइड करवा सकता है जितना हमारा फ्रीसिंग मॉनिटर यानी कि 144Hz की रिफ्रेश रेट को हमें प्रोवाइड करवाता है, मतलब कि अगर हमारा ग्राफिक कार्ड हमें हमारे मॉनिटर के लगभग या फिर उससे ज्यादा कम हमें उतनी ज्यादा FPS प्रोवाइड करवाए, तो फ्रीसिंग यहाँ पर क्या करेगा जो हमारे गेम के अंदर हमको यहाँ पे स्क्रीन टियरिंग या फिर स्क्रीन स्टटरिंग देखने को मिलती है वो चीजें यहाँ पर सब चीज इलेमिनेट हो जाएगी एंड हमको यहाँ पे काफी ज्यादा स्मूथ गेम प्ले देखने को मिलेगा। तो ये था फ्रीसिंग का वर्क एंड इसके अंदर यहाँ पर हमें ओवरड्राइव जैसी चीजें बताई हुई है। मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ ओवरड्राइव होता क्या है। ओवरड्राइव हमको अलाउ करता है कि हम अपने मॉनिटर की जो रिस्पॉन्स टाइम स्पीड होती है ना, यानी पिक्सल ट्रांजिशन टाइम, हम उसको पुश कर सके जिससे कि जो हमारे गेम प्लेज होते हैं हम या फिर हम जो भी मतलब की मॉनिटर में चीज देख पा रहे हैं उसके अंदर हमको यहाँ पे ट्रेलिंग और गोस्टिंग ना देखने को मिले फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स की। तो ये काम होता है ओवरड्राइव का एंड यहाँ पर हमको यहाँ पे 2 ऑप्शन प्रोवाइडेड है, नॉर्मल और एक्सट्रीम। यहाँ पर हम 2 टाइप में इसको मतलब यूज कर पाएंगे एंड बेसिकली मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे कि अगर हम कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग अगर हम ओवरड्राइव यूज करते हैं तो उससे क्या होता है जो हमारा मॉनिटर है वो क्या करता है जो पिक्सल्स को ओवरशूट भी कर देता है कभी कभार या फिर वो इनवर्स गोस्टिंग भी कर सकता है। तो बेसिकली मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको नॉर्मल पे यूज करो, वैसे एक्सट्रीम पे कोई दिक्कत तो नहीं है बट नॉर्मल पे यूज करोगे तो यार ऑब्वियसली अच्छी बात है। अगर मैं आपको बताऊं कि मोशन रिस्पांस टाइम होता क्या है यानी कि मॉनिटर रिस्पांस टाइम, तो बेसिकली यहाँ पर अगर आपके पास एक 60Hz का मॉनिटर है अगर वो एक इमेज को 60 बार पर सेकंड रिफ्रेश करेगा तो वो एक रिफ्रेश साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिफ्रेश साइकिल से दूसरी रिफ्रेश साइकिल के बीच का जो टाइम होता है वो होता है 16.67 मिलीसेकंड एंड बट यहाँ पर हमारे मॉनिटर तो यहाँ पे 144Hz का है, तो यहाँ पर हमारे मॉनिटर जो रिफ्रेश साइकिल के बीच का टाइम है वो यहाँ पे 6.94 मिलीसेकंड है। जैसे कि जिन लोगों ने परचेस करा अगर वो UFO टेस्ट में यहाँ पे MPRT टेस्ट होता है वहां पर वो टेस्ट कर रहे थे तो वहां पर उनको 6 point something देखने को मिल रहा था, तो वो लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे 1 मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम क्लेम्ड है बट यहाँ पर हमको 6 point क्यों देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि जो IPS या फिर VA पैनल्स होते हैं उनके अंदर भी यहाँ पर हमको 4 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ये 6 मिलीसेकंड क्यों दिखा रहा है कुछ। तो बेसिकली ये 6 मिलीसेकंड वही है एक रिफ्रेश साइकिल से दूसरी रिफ्रेश साइकिल के बीच की टाइमिंग एंड जैसा कि मैंने आपको बताया 144Hz के जो मॉनिटर होते हैं उनकी जो रिफ्रेश साइकिल के बीच का जो टाइम होता है वो होता है 6.94 मिलीसेकंड। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे VRB के बारे में, बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि हमको 1 मिलीसेकंड यूज करने के लिए इस VRB को एनेबल्ड करना पड़ेगा। ये VRB का मतलब होता है विजुअल रिस्पॉन्स बूस्ट, बेसिकली ये एसर का नया टर्म है जो मतलब की मोशन ब्लर रिडक्शन का दूसरा नाम है एंड ये जो चीज है ना इसको आप यूज करोगे तो यहाँ पे हमको नॉर्मल और एक्सट्रीम टाइप में अभी 2 ऑन स्क्रीन डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल जाएंगे ऑप्शंस एंड हम इसको जैसे यूज करते हैं तो यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस काफी ज्यादा गिर जाती है, इतनी भी ज्यादा नहीं गिरती है बेसिकली बट अगर आप इसको एक्सट्रीम पे यूज करोगे तो काफी मतलब उससे तो ज्यादा गिर जाएगी नॉर्मल से। तो ये इसकी मतलब की सच्चाई है यहाँ पर बट ये कोई मतलब की इसमें कोई बुराई भी नहीं है, यहाँ पे 1 मिलीसेकंड आपको मिलेगा श्योरली। यहाँ पर जो ये एसर है ना इसने मतलब की जब मैंने इसे बाय करा था जब ये लॉन्च हुआ था उस टाइम पे तो यहाँ पर मेरे को कोई भी सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड करके देखा था एसर का जो आता है बेसिकली जो मॉनिटर रिलेटेड, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो मैं
मतलब डाउनलोड करके देख रहा था तो इनकम्पेटिबिलिटी थी उस टाइम पे, बट अब एसर ने फाइनली इसका निकाल दिया है, तो बार बार आपको बटन्स और या फिर ये जॉयस्टिक जो पीछे गिवन है उसको यूज नहीं करना पड़ेगा परेशान होकर बार बार ओएसडी में घुस घुस के मोड्स को चेंज करने में, ग्राफिक जैसे कि इको मोड हो गया या फिर स्टैंडर्ड मोड हो गया। तो बेसिकली अब आप अपनी विंडोज में ही सही से इजिली माउस के थ्रू चेंज कर पाओगे। तो काफी ज्यादा मुझे खुशी हुई जब ये मतलब ये सॉफ्टवेयर वापस से आ गया इस मॉनिटर के साथ कंपैटिबिलिटी में। एंड मैंने इसका यूएफओ टेस्ट भी करा, साथ में मैंने यहाँ पे सारे डिफरेंट टेस्ट करके देखे। बेसिकली जो भी सारे क्लेम कंपनी करती है वो उन सब पे खड़ा होता है मॉनिटर। एंड लास्ट में मैं बताना चाहूँ तो आपको ये सच में मॉनिटर आता है 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम के साथ में। साथ में इसके अंदर हमको आईपीएस पैनल देखने को मिल जाता है, साथ में यहाँ पे हमें 144Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। तो काफी मतलब तगड़ा गेमिंग मॉनिटर है ये मतलब की। एंड अगर मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ और कि यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी जो बेजल है वो काफी ज्यादा कम दी गई है बॉडी के अंदर, तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। एंड इसके जो बैक है यहाँ पर, इसके बैक पे भी यहाँ पे हमें ग्लोसी प्लास्टिक यूज नहीं करा गया है, हमें यहाँ पे ब्लैक ब्रश्ड प्लास्टिक यूज करा गया है, ठीक है, ब्रश टाइप में। तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है वो, बिकॉज जो पॉलिश टाइप में या फिर जो शाइनी टाइप के जो मतलब की बैक पैनल्स होते हैं मॉनिटर के, वो क्या करते हैं वो फिंगरप्रिंट अट्रैक्ट करते हैं, साथ में भाई उनके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है डस्ट, वो काफी ज्यादा डस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, वो काफी ज्यादा गंदा लगता है देखने में। एंड इसका जो स्टैंड है वो भी काफी भाई अच्छा लगता है देखने में, डिजाइन वाइज एंड लुक वाइज भी भाई ये मॉनिटर इतना तगड़ा बनाया ना एसर ने, मतलब कि मैं क्या बोलूं उसके लिए भाई, बिल्कुल बेस्ट मॉनिटर है। 24 इंच का ये है एंड जो ये मॉनिटर है कर्व देखने को नहीं मिलता है, बट बिना करके भी काफी ज्यादा अच्छा दिखता है, बिकॉज 24 इंच साइज एक आइडियल साइज है गेमिंग के हिसाब से 1080p लेवल पे। एंड इतनी ज्यादा बड़ी स्क्रीन नहीं है तो काफी ज्यादा मतलब कि आपको कर्व वर्व तो चाहिए नहीं होगा। एंड अगर मैं लास्ट में बात करूं उसके कुछ कोन के बारे में, तो इस मॉनिटर के अंदर हमको कोई भी कोन देखने को नहीं मिलता है, बस हाँ एक थोड़ी बहुत सी ट्रिक एसर ने यूज करी है, जैसे वीआरबी लगा के 1 मिलीसेकंड क्लेम करा है, बट ये रियल में 1 मिलीसेकंड का मॉनिटर है। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पर जो मैं नीचे बेजल देखने को मिलती है जिसमें एसर की ब्रांडिंग है, यहाँ पर जो ये आसपास का एरिया इस एसर के लिखा हुआ, यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत हीटिंग इश्यू देखने को मिलता है मॉनिटर में, ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है अगर मैं इसे 3-4 घंटे लगातार यूज करता हूँ, बट ये सर्दियों में नोटिसेबल नहीं है जैसे कि अभी के टाइम में मेरे को पता नहीं चलता है, बट जैसे अगस्त के टाइम पे मैंने इसे परचेज करा था तो वहां पर मेरे को थोड़ा बहुत पता चलता था छूने पे कि गर्म हो रहा है, बट वही बात है आप कोन निकालोगे तो निकलेगा ये थोड़ा बहुत, तो भाई हल्का सा हीट होएगा जहां पर इसके पैनल्स वैनल्स होंगे, बिकॉज इसके जो डिस्प्ले पोर्ट के पैनल या फिर सारे जो पैनल है पोर्ट्स ये सब वो नीचे की तरफ ही है, तो दैट्स वाई थोड़ा बहुत गर्म होता है। एंड आप इसे सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज कर पाओगे तो कोई भी दिक्कत तो यहाँ पे है ही नहीं कि आपको बार बार बटन दबाना पड़े या फिर कुछ और। एंड इसके साथ जो HDMI केबल मिलती है सिर्फ वो 120Hz का ही डिस्प्ले आपको शो कर पाएगी, बिकॉज जो HDMI केबल होती है वो 120Hz ही शो करती है। आपको अगर 144Hz का मजा लेना है तो आपको यहाँ पे एक डिस्प्ले पोर्ट यूज करना पड़ेगा। एंड यही था मेरा रिव्यू इस गेमिंग मॉनिटर के रिगार्डिंग। एंड अगर आपका भी इंटरेस्ट है गेमिंग पीसी और गेमिंग पीसी रिलेटेड कंटेंट में, तो मेरे चैनल पे बात करी जाती है ऐसे ही गेमिंग पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में, तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे और ऑसम वीडियोस के लिए। टिल देन सब्सक्राइब GTech फॉर गेटिंग मोर ऑसम वीडियोस।